अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ लोडेड पास्ता। और ये देखें, ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये पास्ता है, इसके लिए मैंने शिमला मिर्च जो है उसको काट लिया, इस तरीके से काटा है। और साथ में चाइनीज़ गाजर है जो मैंने इस तरीके से काटी है, और साथ में बंद गोभी है, ये भी बारीक बारीक इस तरीके से आप काट लें। और साथ में चिकन है, चिकन को जो है मैंने इस तरीके से फ्राइज़ की तरह से काटा है, जैसे फ्राइज़ की शेप होती है इस तरीके से काटा है। अब इन सब को जो है मैं फ्राई कर लूँगी। साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, एडम का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक और 2-3 चम्मच ऑयल डाला है। और इस पास्ता को जो है मैं बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम सारी सब्जियों को जो है फ्राई करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के आप गाजरों को फ्राई कर लें। गाजरें और शिमला मिर्च फ्राई हो चुकी हैं, अब हम बंद गोभी को फ्राई करेंगे। इसको हमेशा हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। बंद गोभी भी फ्राई हो चुकी है, सब्जियां सारी फ्राई करनी है। अब चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को आप चाहें तो ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बटर में फ्राई किया है। चिकन में आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, 1/2 चम्मच तकरीबन, और थोड़ा सा नमक डाल दें। मोज़रेला चीज़ को मैंने इस तरीके से जो है ना ग्राइंड कर लिया है बारीक बारीक। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें पास्ता डाल देंगे। इसमें हम थोड़े से जो है चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक हंसवे ज़रूरत। हमने चीज़ ग्राइंड करके रखा था वो इस पर डाल देंगे हम। या हमने चिकन फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी सा है हमारा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको जो है अभी मैंने ओवन में रखना है चीज़ लगा के टॉपिंग करके। इसकी पास्ता को मैंने जो है बाउल में निकाल लिया है, अब इसके ऊपर मैं चीज़ जो है वो डाल दूँगी अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर जो है मैंने चीज़ डाल दिया अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। अब इसको मैं ओवन में जो है 5 मिनट के लिए रख दूँगी। जी, हमारा चीज़ लोडेड पास्ता तैयार है। इससे आप कोक के साथ सर्व करें और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा बना था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।